अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपने कभी ना कभी यूट्यूब अवार्ड्स के बारे में जरूर सुना होगा, जैसे कि सिल्वर अवार्ड है, गोल्ड अवार्ड है, डायमंड अवार्ड है। अक्सर आप लोग सोचते होंगे कि आखिर ये अवार्ड्स क्या होते हैं, किन लोगों को दिए जाते हैं और इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि YouTube अवार्ड्स क्या होते हैं, किन लोगों को दिए जाते हैं, इसको लेने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और YouTube अवार्ड्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि YouTube अवार्ड्स होते क्या हैं। YouTube अवार्ड्स एक तरह का अवार्ड होता है जो YouTube अपने क्रिएटर्स को देता है, उन क्रिएटर्स को जो YouTube पर कड़ी मेहनत करते हैं, जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं और उनका कंटेंट भी यूनिक होता है। YouTube अवार्ड्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए हम YouTube अवार्ड्स की वेबसाइट पर चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं www.youtube.com/yt/creators/awards। ये आप सिंपली गूगल में सर्च करेंगे YouTube क्रिएटर्स तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाती है। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको YouTube अवार्ड्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पहला अवार्ड, सिल्वर क्रिएटर अवार्ड, जो कि सिल्वर का बना होता है। ये 1,00,000 सब्सक्राइबर होने पर दिया जाता है। दूसरा है यहाँ पर गोल्ड क्रिएटर अवार्ड, ये 1,000,000 यानी 10,00,000 सब्सक्राइबर होने पर दिया जाता है। तीसरा है यहाँ पर डायमंड क्रिएटर अवार्ड, जो 10,000,000 सब्सक्राइबर यानी 1,00,00,000 सब्सक्राइबर होने पर दिया जाता है। नीचे अगर आप इसके बारे में देखें तो लिखा हुआ है वी कीप इट ऑनेस्ट, यानी क्या होता है कभी कभी कुछ लोगों के 1,00,000 सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं उसके बावजूद उनको ये अवार्ड नहीं मिलता है। तो उसका कारण ये है कि उनके चैनल पर या तो यूनिक कंटेंट नहीं होता है, वो दूसरे का कॉपी करके डालते हैं, या फिर उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो रियल सब्सक्राइबर नहीं होते बल्कि परचेज किए हुए, खरीदे हुए सब्सक्राइबर्स होते हैं। इस वजह से YouTube उनको ये अवार्ड नहीं देता है, क्योंकि YouTube ये अवार्ड सिर्फ उन्हीं को देता है जिनके 1,00,000 सब्सक्राइबर हो और बिल्कुल यूनिक कंटेंट हो, उन्होंने किसी तरह का कोई झोलझाल ना किया हो। तो ये तो बात हुई कि YouTube अवार्ड क्या होते हैं। दूसरी बात आती है कि YouTube अवार्ड लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, YouTube अवार्ड लेने के लिए सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट होती है। पहली तो ये है कि सिल्वर अवार्ड लेने के लिए आपके YouTube चैनल पर 1,00,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके चैनल पर किसी भी तरह की कोई कम्युनिटी गाइडलाइन या फिर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। अगर अप्लाई करते समय आपके चैनल पर किसी भी तरह की कम्युनिटी गाइडलाइन या फिर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक होती है तो ये अवार्ड आपको नहीं दिया जाता है। तीसरी बात आती है कि आपके चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर भी हैं और आपका यूनिक कंटेंट भी है, आपके चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन भी नहीं है, तो फिर आपको YouTube अवार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना चाहिए। अगर आपके पास 1,00,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, आपके चैनल पर यूनिक कंटेंट है, आपके चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं है, तो आपको सिंपली एक ईमेल करना होगा। कंपोज में जाएंगे, यहाँ पर आपको ये ईमेल आईडी देनी होगी creator-support@youtube.com। यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको लिखना होगा रिक्वेस्ट फॉर YouTube अवार्ड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने चैनल की पूरी डिटेल लिख देनी चाहिए कि ऐसे ऐसे मेरा एक चैनल है, इस पर 1,00,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, इतने व्यूज हो गए हैं और मुझे अब ये सिल्वर प्ले बटन चाहिए, या अगर आपके 10,00,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो मुझे गोल्ड अवार्ड चाहिए। इसी तरह से जितने भी सब्सक्राइबर होंगे आपके उसी हिसाब से आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए कि आपको अवार्ड चाहिए। उसके बाद आपको YouTube की तरफ से एक ईमेल आएगा जिसमें लिखा होगा कि YouTube टीम को कॉन्टेक्ट करने के लिए आपका थैंक यू और आप हम आपके चैनल का रिव्यू करेंगे। ये लगभग 1 से 2 हफ्ते तक आपके चैनल का रिव्यू करते हैं कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं क्या वो यूनिक हैं, आपके जो व्यूज हैं, आपकी जो वीडियोस हैं क्या वो सब यूनिक है, सब सही है। अगर सब कुछ सही होगा उसके बाद ये आपको ईमेल करेंगे कि वेल डन, हमने आपके चैनल को वेरीफाई किया है और ये क्रिएटर अवार्ड के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड है, और अब आप रिडीम पोर्टल पर जाइए और ये कोड दिया है, ये कोड डाल करके आप वहां पर अप्लाई करिए। आपको सिंपली यहां से इस कोड को कॉपी करना है और इस पोर्टल पर जाना है। पोर्टल यही है या फिर जो इन्होंने लिंक दिया है वहां से भी आप जा सकते हैं। सिंपली सबसे पहले आपको यहां पर वो कोड डालना है जो YouTube ने आपको दिया है। उसके बाद सिंपली यहां पर इस कैप्चा कोड को फिल करना है, यहां से सारी टर्म कंडीशंस को एग्री कर देना है और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने पर देखिए ये बता रहा है कि आपके चैनल को कौन सा अवार्ड मिलने वाला है। तो यहां पर हमारा चैनल जो है ये सिल्वर बटन के लिए क्वालिफाइड है तो हमें सिल्वर बटन ही मिलेगा। यहां पर आपको अपने चैनल का नेम देना है।
नेम यहाँ पर इसलिए देना है क्योंकि जो आपका ये बटन होता है इस पर ये नेम प्रिंट होता है, तो इसलिए जो भी नाम आप यहाँ पर देंगे वो इस बटन पर प्रिंट होकर के आएगा, इसलिए आपको बिल्कुल सही से अपनी स्पेलिंग चेक कर लेनी है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस देना है जहां पर आपको इस बटन को मंगाना है। सिंपली मैं यहाँ से इंडिया चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है और यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम देना है। अगर आपकी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसका नाम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपको अपना फुल एड्रेस देना है। ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से कंटिन्यू करना है। एक बार आपको यहाँ पर पूरी समरी मिलती है कि आपका रिडीम कोड ये है, आपका चैनल का नेम ये है और आपका शिपिंग एड्रेस ये है। अगर सब कुछ सही है तो आपको सिंपली यहाँ माई अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं आप सक्सेसफुली अवार्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं। अब 1 से 2 महीने में ये अवार्ड आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाता है। इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि अवार्ड के ऊपर आपके चैनल का नेम भी प्रिंट किया जाता है और साथ ही ये यूएसए से डिस्पैच किया जाता है, इस वजह से इसमें इतना टाइम लगता है। यहाँ पर भी इन्होंने बताया है कि 6 से 12 हफ्ते में ये आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि YouTube अवार्ड्स क्या होते हैं, किन लोगों को दिए जाते हैं, इसको लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और ऑनलाइन YouTube अवार्ड के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।